उत्तराखंड की नौनी आज है, उत्तराखंड को खास पहचान दिलाने वाली एक उत्तराखंड की खास नौनी के साथ मुंबई में अभी आयोजित हुई मिस इंडिया ब्रेनी ब्यूटी में फर्स्ट रनअप रही आरजे देवांगना के साथ। आरजे देवांगना, उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच पहलाग्स, आप सब लोगों को नमस्कार खमागणी। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप ये खिताब जीत कर आई। थैंक यू सो मच। एंड इन फैक्ट हम सभी उत्तराखंड वासियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज मैंने हमारे उत्तराखंड स्टेट को रिप्रेजेंट किया था इंडिया लेवल पे, सो हम सबको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसके बारे में आप पहले तो बताएं क्या कुछ था ये अवार्ड जो आपको मिला है। ओके, सो मिस इंडिया ब्रेनी ब्यूटी सुन के सबसे पहले सबके दिमाग में जो आता है कि ब्रेनी मींस कि ठीक है, आपको जीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे जो हम लोग के क्वेश्चंस होते हैं, बस ब्रेनी ब्यूटी सबसे अलग कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि जिसमें आपका जो एज है, आपका जो वेट है, आपका जो हाइट है, ये मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर जो खूबसूरती है और आप उसको अपने ब्रेन्स के साथ यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट लाइफ की सिचुएशंस में किस तरीके से आप अपने ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं, सो ये जो पैजेंट था, ब्यूटी पैजेंट, सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। सो मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से स्टेज पे जाके रैंप वॉक करूँगी, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड ये इतनी सारी, हम लोग 30 फाइनलिस्ट थे अक्रॉस इंडिया में, हर किसी का डिफरेंट बॉडी शेप, डिफरेंट बॉडी कलर, एक अपने आप में कॉन्फिडेंस दिलाने वाली चीज़ थी, तो दिस वाज ऑल अबाउट। एंड इनफैक्ट ये हम सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि जिस तरीके से मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट होता है, आपकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सेशंस होते हैं, वैसा ही कुछ कुछ हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। एंड टुडे हियर वी आर। जी, तो हम पहले चाहते थे आप सुन लें लड़की लाउड है, वाकई में लड़की लाउड है, जिंगल इनका बिल्कुल सही है, आवाज़ बहुत बुलंद है। तो इससे पहले आपका क्या क्या सफ़र रहा, प्लीज़ बताइए उसके बारे में। मेरा सफ़र एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड रही है, मुझे ऐसा लगता है सबकी लाइफ में रोलर कोस्टर के हिसाब से होता है, अप एंड डाउन होता रहता है। तो स्कूल के टाइम से शुरुआत करते हैं कि जब मैं क्लास 5th में थी तब मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, जब मैं 6th में आई तब मेरा जो रुझान है पायलट बनने की तरफ हुआ, 10th क्लास तक आई वॉज लाइक कि ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है एंड मुझे लोगों को यू नो सर्व करना है इस तरीके से। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत एक्सट्रीम पढ़ाई होती है एंड आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, ऑलवेज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्लास। सो मैं वैसी स्टूडेंट रही हूँ, क्लास में अगर मतलब 60-70 मार्क्स आ जाते थे तो मेरी फैमिली में लड्डू पेड़े बटते थे, तो मैं ऐसा ही हिसाब किताब था मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं जो जर्नी थी वो 10th क्लास तक डॉक्टर बनने की थी, बट उसके बाद जब रियलाइज़ हुआ केमिस्ट्री के इक्वेशंस मैं बैलेंस नहीं कर पाती, सो 12th क्लास तक मैंने सोचा MBA करके मैं भी कोट पैंट पहन के एक मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ कहीं पे हेड या ऐसा कुछ बन जाऊंगी। बट मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जब मैं 12th के बोर्ड के एग्जाम्स दे रही थी एंड मेरी मदर बहुत बड़ी रेडियो की फ़ैन थी, हमारे देहरादून में, हमारे उत्तराखंड में ऑल इंडिया रेडियो ही उस टाइम पे अवेलेबल था, सो हम सब लोग उसी को सुना करते थे एंड स्पेशली संडेज़ को जो प्रोग्राम आया करते थे, तो मेरी मदर ने उनका जो रुझान था रेडियो की तरफ वो सुनते हुए उन्होंने, उनको पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं एंड वो मुझे एक ऑडिशन देने लेकर गई एंड शी वॉज लाइक कि ठीक है दो ऑडिशन, लेट्स डू इट। मैंने कहा बोर्ड की एग्जाम्स है मेरे, पढ़ने दो, पता नहीं क्या होगा। शी वाज लाइक मुझे पता है पास तो हो जाएगी ना तू। सो ऑल इंडिया रेडियो वालों को मेरी आवाज़ पसंद आई, 3 महीने की मेरी वॉइस ट्रेनिंग हुई एंड उसके बाद 7th of July 2008 मैंने मेरा पहला रेडियो शो किया था। सो आज भी आई एम लिविंग माई मदर्स ड्रीम एंड बट इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक रेडियो तो एक सहारा मुझे मिल गया था कि ठीक है आई गॉट अ वे, बट उसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन, यानी कि मेरी नानी हमेशा बोलती थी कि बेटा पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है। सो बी ए ऑनर्स इन मास कॉम किया, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया मैंने एंड उसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स किए, ऑर्गेनाइज किए, मैनेज किए, होस्ट किए, सो एक पॉकेट मनी अर्न करने के लिए सब तरीके का एक्सपीरियंस लिया मैंने। वाकई में लड़की लाउड है, इन्होंने तो आउटस्टैंडिंग की परिभाषा ही चेंज कर दी कि मैं स्टैंड होती थी क्लास के बाहर कहीं है। क्या बात है भाई, बातें बनाना तो कोई सीखी आरजे देवांगना से। अच्छा बताओ आरजे, आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या करना पड़ा, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि आप मॉर्निंग शोज में ठंड से कांप रही होती है, कैप लगाई हुई होती है और आप फिर भी एंटरटेन कर रही होती है लोगों को, तो क्या कुछ सफ़र आपका रहा इस तरह का? बिल्कुल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है। आप बॉलीवुड एक्टर्स को देखिए, राइट, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ क्या होता है या कोई भी एक्टर होता है उनके साथ क्या होता है, वो आते हैं, एक मूवी करते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं और चले जाते हैं।
लेकिन बीइंग अ रेडियो जॉकी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि एवरी डे समथिंग हैज़ टू बी डिफरेंट. आपको हर डे परफॉर्म करना है, हर मूड में परफॉर्म करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपका मूड बड़ा ख़राब होता है, आपको लगता है कि अरे यार लाइफ में इतना सैडनेस हो गया, बट स्टिल यू हैव टू डू दिस. सो वो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों को लगता है. और क्रिएटिविटी एवरी डे, हर एक मूवी भी हिट नहीं होती और हर एक शो भी सुपर हिट नहीं होता, बट हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि हम हमारे उत्तराखंड के लोगों को, हमारे देहरादून के लोगों को कुछ डिफरेंट दें, उनकी आवाज़ जो जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचाएँ, जो हम लोग के पास एक प्लेटफॉर्म है रेडियो के माध्यम से. तो वो सारी चीज़ें करते हैं. एंड चुनौतियाँ, बिकॉज हम लोग साल में 300 दिन शोज़ करते हैं, अगर आप संडेज़ और थोड़ी बहुत छुट्टियाँ हटा लें तो. सो 300 दिन में से बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं कि जैसे अब आप देखिए, अभी यहाँ देहरादून में आपको पता है कि किस लेवल की ठंड पड़ती है, तो सुबह 6:30 बजे मुझे ऑफिस निकल जाना पड़ता है और मैं उस टाइम पर पहुँचती हूँ, तो वही कांपती हुई स्टोरीज़ होती हैं. सो आई एम ऑल रियल. रेडियो इज़ एवरी थिंग ओवर देयर कि यार, अरे यार आज सुबह सुबह मैंने एक गड्ढा देख लिया जिससे मेरी टायर, गाड़ी का टायर फट गया उसकी वजह से. सो वी टॉक अबाउट इट. सो मेन जो होता है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बींग एन आरजे आपको बहुत डिफरेंट करना पड़ता है, रखना पड़ता है. मुझे आज भी ध्यान है, मुझे 104 बुखार था, टाइफाइड मुझे हो गया था, मुझे पता नहीं था. सो मैं सुबह 7 बजे ऑफिस पहुँची और मेरी बॉडी पूरी बुरी तरीके से टूटी हुई थी. बट एक वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो हमेशा उसी एटीट्यूड के साथ मैंने पिछले 12 साल से मैं शोज़ करती आ रही हूँ. एंड मेरे बॉस का हमेशा है कि वो सुबह आते हैं, बोलते हैं हाय देवांगना. सो मैंने उनको हाय बोला ना, आई फेंटेड. एंड देन ही वाज लाइक कि इसको क्या हुआ है. देन डॉक्टर वाज लाइक, इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप इनको बोलिए कि इतना काम ना करें. सो एक चुनौती आपकी हेल्थ होती है, दूसरी चुनौती आपका मूड होता है. आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, मुझे आज भी ध्यान है कि सुबह 7 बजे मैंने अपने शो की शुरुआत करी थी और 7:10 पे आई गॉट द न्यूज़ दैट माई ग्रैंड फादर इज़ नो मोर. आई लिटरली क्राइड इन द स्टूडियो, बट देन इट वॉज़ लाइक कि द शो मस्ट गो ऑन. मुझे सुनने के लिए लाखों लोग इस टाइम पे रेडियो, उन्होंने ट्यून इन किया हुआ है, उन्हें डोज ऑफ एनर्जी चाहिए, उन्हें खुशियाँ चाहिए. सो मैं अपनी इस चीज़ की वजह से उससे सफ़र नहीं कर सकती. सो द शो मस्ट गो ऑन वाला एटीट्यूड के साथ ही आज तक सारी चीज़ें करी हैं. क्या बात है, देखिए कितना दर्द अपने अंदर छुपा के भी लोगों को एंटरटेन करना, वाकई में बहुत ही बड़ा हुनर चाहिए इसके लिए. अच्छा, जब आप मुंबई से देहरादून आई, शिफ्ट हुई, तो मैंने देखा था आपका वीडियो कि आप बाइक चला के आ रही थी, आपका जोरदार स्वागत हो रहा था बुलेट से. तो बुलेट चलानी हमेशा से आती थी या फिर उसी के लिए सीखी? नहीं, उसके लिए नहीं सीखी. मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना हमें सब कुछ सीखना चाहिए, एंड बींग अ गर्ल हमें सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि मेरी मदर और मेरी नानी, उन्होंने हमेशा मुझे यही सिखाया कि डू एवरीथिंग इन लाइफ. मैंने ट्रक भी चलाया है, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया है, वो वाली वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉर श्योर. तो मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा बोलते ना, लड़कों के लिए ही बाइक है. आई एम लाइक, ये सिर्फ लड़के क्यों कर रहे हैं ये चीज़? तो इसी वजह से एकदम होकर आई वाज लाइक कि मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला, प्लीज़ मेरे को भी तेरी बाइक चलानी है, प्लीज़ लेट मी डू दैट. एंड साइकिल चलानी आती थी, तो बाइक बिकेम लाइक रियली इजी. एंड तब से मैंने कॉलेज टाइम से बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया था. सो आई हैव डन, मैं सब कुछ चला सकती हूँ आज के डेट में. कुछ वीडियोस की और बात करूं तो आप कहीं कहीं पे गाय से बात करने लग जाती हैं, कहीं आप डॉग से बात करने, बताइए बहन जी, बताइए भाई साहब, तो ये हुनर बचपन से था क्या आपके अंदर? बचपन से, आई टेल यू व्हाट, कि मेरी नानी हमेशा बताती है कि बहुत, जब मैं छोटी थी ऑलमोस्ट लाइक 3-4 ईयर्स की, तो जब घर पे गेस्ट आया करते थे तो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे, तो मैं उनके सामने खड़े होकर फॉर नो रीज़न आई स्टार्ट डांसिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. और जहाँ तक बात है डॉग से बात करने की, काउ से बात करने की, आई एम अ बिग टाइम एनिमल लवर. और मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था एनिमल डे पर, एंड एनिमल राइट्स डे पर बेसिकली. तो वो बेचारे बेजुबान जानवर हैं, तो हम उनकी आवाज़ उस टाइम पे बने थे. एंड दैट वाज द वीडियो ऑल अबाउट कि आप बताओ कि आपको कैसा लगता है. एंड द होल आइडिया फॉर द वीडियो वाज इन द एंड कि वो बोल नहीं सकते लेकिन हम लोग समझ तो सकते हैं. तो अगर ये समझदारी हर एक जानवर के साथ यहाँ पर हम लोग दिखाएं, तो आई थिंक लाइफ विल बी रियली ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड विल बी रियली ब्यूटीफुल. बिल्कुल, वाह क्या बात बोलती. अब उत्तराखंड की नौनी के दर्शकों के लिए भी कोई मैसेज दीजिए प्लीज. मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने पूरी दुनिया ट्रैवल करी है. मैंने देहरादून से अपने काम की शुरुआत करी थी, बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, दुबई, काफ़ी सारी जगहों पे काम किया है. बट जो मज़ा अपने रूट्स में काम करने का है वो कहीं और नहीं है. लोगों के साथ लॉकडाउन में बहुत सारी हैपनिंग्स और मिसहैपनिंग्स हुई, और मेरे साथ जो मैं कहूँगी एक खूबसूरत हादसा हुआ वो ये था देहरादून वापस आने का. ताकि मैंने अपने पिछले 10 साल से मैं उत्तराखंड से बाहर थी और बाहर ही अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर रही थी,
बट जब मैं यहाँ पर वापस आई, मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ के लोगों को भी एक्सपोजर की ज़रूरत है, और वो एक्सपोजर हम जैसे लोग जो पूरी दुनिया घूम कर आ चुके हैं, एक एक्सपीरियंस लेकर आ चुके हैं, तो उन्हें यहाँ पर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई रियली वुड लव टू से कि अगर आप उत्तराखंड में हैं, आप देहरादून में हैं, या इंडिया वर्ल्ड के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये मत फील करिएगा कि आप बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं या आप कुछ कर नहीं सकते अपने शहर की वजह से। ये बिल्कुल बिल्कुल एक मिथ है। आप कहीं भी, किधर भी, किसी भी समय, किसी भी एज में कुछ कर सकते हैं। जैसा कि लोग कहते हैं कि 20-25 साल की उम्र तक आप एक ब्यूटी पेजेंट में कर सकते हैं पार्टिसिपेट, बट आई एम +25 नाउ, अपनी एज नहीं बताते, सो +25 नाउ एंड आई पार्टिसिपेटेड, सो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग इन लाइफ। सो प्लीज़ स्टे लाउड इन लाइफ, अपनी अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, नानी हमेशा बोलती है अपना मन मत मारो, तो वो चीज़ें करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। क्या बात है, अपनी इच्छाएं मत मारना, और ये मत सोचना आप लोग छोटी जगह पे है, देवांगना वापस आ गया यार, देवांगना चौहान हमारे बीच में, और क्या चाहिए। तो लड़की लाउड है, देवांगना चौहान, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड मोर पावर टू यू। आई थिंक आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा ये इनिशिएटिव है, जहाँ पर आप उत्तराखंड की सारी लेडीज़ को एक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि वो अपनी आवाज़, अपना टैलेंट, अपनी सारे एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर कर सकें। सो मोर पावर टू यू एंड योर टीम। Thank you so much.